हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, हो चुकी है सुबह। अब तो मेरी वेकेशन है तो मैं जल्दी उठ गया सुबह से। सोना चाहिए मेरे को एक हिसाब से, ये वेकेशन हो गई है तो हाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था ज़्यादा देर सोने का। तो अभी बज रहे हैं 10 सुबह के। मम्मी चले गई अपना ऑफिस मेरे को उठा कर जल्दी। वैसे तो मम्मी और मुझे ना पार्क जाना था सुबह 5-6 बजे। मेरे को पता था मम्मी ने उठना नहीं, इसलिए हाँ मेरे को पता ही था नहीं जाना था मम्मी ने, तो मैं सोता रहा। और मम्मी भी फिर लेट ही उठी थी अपना 8:30-9। फटाफट से मम्मी भाग गई अपना ऑफिस, तो मैं कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग। और अब मैं अभी देखूँगा स्कूल का थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क होगा तो वो कर लूँगा मैं, क्योंकि हाँ करना तो ज़रूरी है, वरना लास्ट के टाइम पर मैं कर नहीं पाऊँगा सारा का सारा। तो गाइस, जस्ट अभी अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और आते ही बस मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज मैं टाइम पे चली गई थी ऑफिस, क्योंकि आज एक सर ने नहीं आना था तो उनका काम मुझे करना था, इस करके तो मैं टाइम पे चली गई थी। और अभी बस घर का काम स्टार्ट करूँगी। रौनक बना रहा है चाय और चाय पी के फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रही हूँ एक बार मंदिर माथा टेकाऊँ। अभी रौनक को लेकर मंदिर या गुरुद्वारे कहीं पर भी जाऊँगी, क्योंकि अभी तक टाइम नहीं हुआ है। तो देखती हूँ अभी जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, सोच तो रही हूँ, अभी फाइनल नहीं है। तो बाकी डिपेंड करता है काम के ऊपर कैसा है कैसा नहीं। और अभी खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। पहले चाय पियेंगे, अपने दिमाग को तरोताजा करेंगे गाइस, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। और खाने में तो मुझे लग रहा है कि रौनक का मैंने पूछा था क्या खाना है, उसमें खुद ही पूछ रहा हूँ मम्मी क्या बनाओगे क्या बनाओगे। तो मैंने कहा चल देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ। अब हल्का फुल्का तो क्या ही होगा, हल्के फुल्के में दाल वगैरह होती है, दाल वो खाता नहीं है गाइस। तो बस अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे दोबारा। रौनक की बात समझ में नहीं आ रही, एक खाने में क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। जो बना है बना, तू बता आपको जो मन हो तू एडवाइस देना कुछ मेरे को। एडवाइस देता हूँ, आपको समझ ही नहीं आती। देख मेरे से पूछ रहा है, मैं तेरे से पूछ रही हूँ, मेरे को ही बोल जा रहा कि तू आप बताओ। मैं जो भी एडवाइस दूंगा आपको समझ पसंद तो आएगी नहीं, नहीं मेरे को समझ ही नहीं आएगी, मैं पसंद नहीं आएगी। बता आलू है? देखा 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 आलू पूरी? ए नहीं 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 नो वे। सुबह अपना ऑफर किया था मेरे को छोले भटूरे खाने का, मैंने कहा छोले भटूरे छोले भटूरे ये नई आइटम कहाँ से आई है छोले भटूरे? पता नहीं आपने बोला था ना, हाँ रिजेक्ट कर दिया था ऑफर। हाँ अब तेरा नुकसान है, तूने रिजेक्ट क्यों करा? मूड नहीं था, अब मेरा मूड नहीं है। बताना बताना जरी प्लीज। पराठा बना दो, सब्जी दाल बताना, कोई आलू पराठा सब्जी ना बनाऊं? क्यों अब क्या बनाओगे, इतना टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? 9 बजने लगे। तो क्या हो सब्जी बनने में कितना समय लगना है? नहीं 10 बजे से रोटी से दोनों रेडी हो जाएगी। परांठा कौन सा परांठा? आलू का परांठा खाना है। चल ठीक है, प्याज हरी मिर्च डाल के धनिया वगैरह डाल के सब ऐसे करके बनाते। तेरे को क्या लग रहा है आसान काम है? आलू बॉईल करूंगी, उसको छीलूंगी, उसको मैश करूंगी, फिर आटा लगाना है, कितने काम होते हैं उसमें। बस पानी में रखा आलू उबाल दिया, हो गया। परांठा भी ऐसे बना दे, परांठा भी ऐसे बैठे बैठे बना दे। क्या कर रही है? मैं इनको खेलने की कोशिश कर रही हूँ। इनको इनके साथ खेलने की कोशिश है, मजा आता है ना वैसे? पर ये तो पूरा हाथों में आ जाता है, ये हाथों में चिक 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 करते हैं ऐसे। ओए ओए उंगली तो पकड़ी है इसने खुद नहीं है ना? अरे मेरी खुद बैठा हुआ है, मैंने मैं फोटो खींच लो फोटो खींच लो, मेरे हाथ में बैठा हुआ है, होनी चाहिए मौका ना मिले तो बैठे ना, क्या पता बैठ तो जाता है। नहीं बातचीत मूड पे होता है ना, मूड ही है। ये सही है, दोनों सही है बहन। ये नहीं आता बिल्कुल, लेकिन ग्रीन वाला, ये तो बिल्कुल ग्रीन वाला पूरा हाथ में आ जाता है। उंगली रख उसके आगे, देखिए वो भी रखेगा, ये बाहर तक आएगा ऐसे लेके आऊंगा। नहीं फिर उड़ने लग जाएगा ना रूम में, उड़े ना पहले कितनी बार उड़ाया था मैंने। फिर देखना उड़ा देते हो ना इनको, हाँ। थोड़ा बहुत आप इनको दिन में एक बार इनको फिर देखना पड़ता है ना कि वो ऊपर अलमारी पे ना बैठ जाए उधर, फिर कौन चढ़ेगा वो अलमारी के ऊपर? तुम्हारे कमरे में उड़ाया था एक बार बड़े मस्त, वो लेकिन पीछे जा सकते थे उपर। हाँ तभी करके ना यहाँ पे आप उधर ऊपर ऊपर चढ़ जाए, मैं कैसे उतारूंगी इनको? तो कहाँ जा रही है अभी? अभी ना चले जाए कहीं नहीं, घर पे ही है। ठीक है ठीक है, चलो सही है, मुझे भी ले चल अपने साथ। बियर चट से ठिकाने बलिए, रब भी ना जाने बलिए। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। भगवान को भी नहीं पता मैं कहाँ, बस निकलने की देर होती है, उसके बाद अपने आप चल रहा है कहाँ जाने। वो चलेगी पायल, चलेगी वापस क्या? इतनी दूर से थोड़ी देर के लिए आती है वो? नहीं चाची हाँ वो
थर्सडे की आएगी, कल उसका पति लेने आएगा, आज नहीं आएगी। अच्छा अभी घर पे ही है अपने। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वो मेन आई थी गुड़गांव, उसकी जॉब लग गई थी एकदम से, होगी किसकी कि, अच्छा फिर वो लैपटॉप वगैरह देने गई थी, उसकी वर्क फ्रॉम होम थी पायल की। हाँ FIS में। हाँ सही है, तो अभी नहीं करेगी जॉब वो? अभी कह रही है अगस्त सितंबर में करूंगी। अच्छा ढलने में टाइम भी तो लगता है। तो वहां से फिर वहां काम मिल जाएगा इसको पानीपत? वर्क फ्रॉम होम है ना वो, घर से ठीक है ठीक है। गाइस पता नहीं मम्मी क्या कर रही है, मम्मी तो खाएगी नहीं पराठे इतने मेरे को पता है, तो मैं चेक करता हूं कि मम्मी अपने लिए क्या बना। मम्मा क्या बना रहे हो? तूने क्या डिमांड करी थी भाई? मैंने तो आलू के पराठे की थी, तो बस वही बना रही हूं। अच्छा इसके अंदर क्या क्या डाला आपने? इसके अंदर डाला मैंने प्याज, अदरक हरी मिर्च। हरी मिर्च क्यों डाली? ज्यादा मत डालना है, ज्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी डाली, इसका टेस्ट अच्छा लगता है रौनक। अच्छा धनिया? धनिया नहीं है। ओ अफसोस, लेने कौन जाएगा भाई? सही बात है ना? तो जो बाकी आलू बचे हैं इसका मैं क्या करूँ, रोस्ट में डालूंगा? नहीं सुबह आलू नहीं, नहीं इसमें मैं शिमला मिर्च डाल के ना, या फिर सोयाबीन डाल के। शिमला मिर्च सूखी सब्जी मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है, साथ में दही ले तो रहता हूँ मैं। ठीक है सुबह मैं शिमला मिर्च इसमें डाल के उसको फ्राई कर लूँगी साथ में। चीना जी क्या कह रही थी? काम था बॉटल खोलनी थी एक। अच्छा। खुलनी रही थी तो मतलब शिमला मिर्च को ना जैसे आलू को तो बॉईल कर दिया ना, शिमला मिर्च को फ्राई करके ना वैसे करके बना। शिमला मिर्च को फ्राई करोगे तो उनका इतने टेस्ट लगता है उसका, प्याज का तड़का और टमाटर का तड़का लगा दूंगी। चलो ठीक है ऐसे ही बना दो आप। तो अभी आप क्या खाओगे? लेकिन मैं भी आलू का पराठा कर लूंगी एक। पक्का? मेरे को तो लगा था नहीं खाओगे। नहीं खा लूंगी, अब और क्या बनाऊंगी मैं अपने लिए। अच्छा तो मतलब आलू का अभी आप क्या दे रहे थे यार? लेकिन मेरा मन कर रहा था मैगी खाने का, पर मैं अपने मैगी नहीं खाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं एक पराठा, क्योंकि मम्मी ने आधे घंटे पहले मेरे को भेजा था ना लेके आने को। हाँ तो अभी मैं खाऊंगी ये पराठा और साथ में दही। दही मैं भी दही खा लूंगा। ठीक है कोई ना, रात तू मक्खन ले लियो साथ में। आप ये भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों का गला खराब होता है। ठीक है तो गाइस अभी गोल्डी भैया हमें देखे गई है केक और ये बिस्किट है, कौन से कुकीज है ना ये, और साथ में ये टॉफीज और हैप्पी मदर्स डे उन्होंने अपने साथ ने बनाया होगा ना, तो हैप्पी मदर्स डे आपको भी, वो तो तुमने कर दी था 12 बजे ही। तो गाइस रौनक ने भी मेरे को एक सरप्राइज दिया, मैं आपको साथ शेयर करूंगी अभी। और रौनक ने मुझे विश करा पहले और उसने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया। और रौनक तो पता है वो बाहर भाग रहे थे जब डॉली भाभी वगैरह, डॉली मम्मा, हाँ मुझे लगा था कि पता नहीं क्या ही हो गया, तो वो प्रैंक कर रहे थे वो। अच्छा अभी अब गोल्ड भी कहते हैं प्रैंक करी थी, सीरियसली मत ले लियो इस बात का। मैंने कहा अच्छा, मैं तो बैठी हुई थी कि मतलब कि एक्चुअल में जा रही लड़ाई हो गया ऐसे करके, तो कहते नहीं प्रैंक कर रहे थे। मैंने बोला अच्छा हाँ चलो कोई नहीं, ऐसा करना भी चाहिए वैसे थोड़ा बहुत ना, मसाई मजाक। हाँ खा रही हूँ। तो भाभी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू अभी देख ले गोल्डी भी हाँ। काटा होगा तेरे को भी, मुझे भी देखे गया। तो मैंने कहा हमारे बच्चे कहते थे हम कल शाम को काटेंगे। अच्छा लोग कहता था मैं शाम को कहता था रात को काटते हैं, मैं कहा नहीं रात को मत काट, हर बार रात को 12 बजे काटते हैं, कल हम शाम को काटेंगे। अच्छा मेरा वेट कर लेना। हाँ करेंगे क्यों नहीं करेंगे, सारे घर के होंगे। देख कल आशु का केक खाया रात को, अब ये साढ़े तक है थोड़ा सा खाली है, अच्छा। ना फ्रूदा ले आई थी, फ्रूदे से पेट भर गया। अच्छा मेरा भी कल वाला केक पड़ रहा था वो मैंने खाया, अभी रोटी के बाद खा लेगा, ज्यादा नहीं खा सकते, खा लेंगे शाम को फिर केक आ जाएगा। वही चाहिए, रौनक ने मुझे गिफ्ट दिया एक, हाँ वो मैं दिखाती चीना के साथ जाके लेके आए। अच्छा हाँ तो अभी दिखाती हूँ आपको। ये क्या है ना, यही बहुत बड़ी खुशी है। अब बच्चे के पास पैसे कितने होते हैं उसी हिसाब से बच्चा सोचेगा ना, बच्चे के पैसे गिनी है बाद माँ को चाहे चॉकलेट भी दे देना। हाँ उससे खुशी। पहले मुझे कहते मैं आपके लिए ना कार्ड बनाऊंगा, मैंने बोला चल ठीक है, फिर कहते कार्ड देखता हूँ अभी क्या करना है क्या नहीं करना है ना। बताइए आप क्यों रो रहे हो? पता है रोने से कुछ नहीं होगा ना, जितना मर्जी रोलो आप, पूरा पूरा दिन रोलो, अब खुद चुप खुद ही करवाना है अपने आप को, कोई नहीं करता। वो तो है ही, बहुत तेज हमारे साथ इतने सालों साल रहे ना। हम अपने मस्त हो जाते हैं उसके बाद, ये तो ना याद नहीं आती, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई भी परमात्मा का संग कोई ऐसा ऐसा होता ही नहीं है, कोई भी दिन सुबह से लेकर रात तक होता ही नहीं ऐसा पल।
कि हम सोच रहे हैं कि भूल चुके हैं, ऐसा होगा होगा भी नहीं, जब तक बंदा है ना तब तक होगा भी नहीं है। तो में हमारे दिल में। हाँ वो तो हर टाइम है। 10 साल का था जब मैं इस घर में आई थी, बच्चा था, मैं ससुरता था, सब कुछ था, भाभी भाभी, अब बड़ा हो गया ठीक है, मैं भी बड़ी होती थी, वो भी बड़ा होता था, तो 10 साल का, मेरा भाई 12 साल का, आशु 10 साल का, मेरा और आशु, मेरे और दीपू में 12 साल का फर्क था, इनमें और आशु में 10 साल का। हाँ चलो कोई बात नहीं, मम्मी भी कितना करती थी ना सारे बच्चों को, गेट पे नजर रखना, कोई आ रहा है कोई जा रहा नहीं, अभी भूखी नहीं आया, अरे जब तक बच्चे नहीं आ जाते थे ताला लगा के। हाँ वही, मैं भी लेट होती थी फोन पे, फोन पे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वो तो है ही, माँ बाप जो केयर करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकता, माँ की जगह तो खास कर। और भाभी प्यार भी ऐसा होता है कि जिनको उम्मीद नहीं है हमसे कोई भी, कहते हैं कि उसके बदले में कुछ मिले हमें, कहते हैं जितना खून आता है, जितना खून होता है उतना उबालेगा। हाँ वो तो है ही, और उनको हमसे कोई उम्मीद नहीं होती। अब आप अपने बच्चों के लिए आपको कोई उम्मीद थोड़ना है। आज हमारी मम्मी है, मैं जाती हूँ, आई मैं मम्मी से मिल के आई हूँ, कितनी खुश होती है जब हम आने लगते हैं ना, और उदास हो जाती है। हाँ तो मेरी मम्मी का भी इसी ना, उसी में आधे घंटे के लिए गई हूँ सिर्फ, मेरा मन करता है, मैंने बोला नहीं मैं जाती हूँ, जाती हूँ, अच्छा मम्मी जा रहे हैं, मैं अच्छा मदद दे, मैं कहा मम्मी कल फोन करूँ, अभी तक तो रात को सो गई है। हाँ कोई बात नहीं, सुबह 10 बजे 11 बजे बोल देंगे हैप्पी बर्थडे। वो तो है, मैं जाऊंगी कल शाम को, देखूंगी थोड़ी देर के लिए ना, कुछ लेके दूंगी, मैंने कहा था, मैं देखूंगी कुछ ना कुछ, अभी कुछ समझ नहीं आया, खाने पीने का थोड़ा बहुत मैंने दीपू को दिया, ऐसे कोई सूट वूट देख लेते, कोई पर्स वर्स होता बंदा हाथ में पकड़ ले जाता है। दीपू का था, मार्केट जाता हूँ, मैं कहा अच्छा दीपू मार्केट गया, मैंने कहा चल दीपू गोलगप्पे खा ले, अच्छा मैंने तो नहीं खाया, चाय पी के आई थी, दीपू खिला दिया, उसको घर तक छोड़ के मैं कहा जा ऊपर जा, इतना वो नहीं, ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है, हमें डर लगता है चला ना जाए। हाँ तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो गाइस मदर्स डे पर स्टार्ट होने ही वाला है, अब जैसे ही मम्मी कमरे के अंदर आएगी मैं उनको दूंगा ये गिफ्ट, आपको दिखाऊंगा मैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ये पर्स। तो मम्मी जैसे ही काम कर कर आएगी किचन में से, मैं मम्मी को दूंगा ये सरप्राइज़ गिफ्ट, जो कि मम्मी को पता नहीं है कि मैं लाया हूँ। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? कैसे हो, क्या घर में घूम रहे थे ऐसे? क्या नमस्ते? हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। ए मेरा बच्चा। हाँ हाँ सही है, सही हूँ, तू बता क्या हो गया? सही है क्या? मैंने कार्ड नहीं बनाया आपके लिए इस बार। क्यों? दिमाग से निकल के बनाना। कोई बात, कोई बात, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और क्या? अच्छा आपके लिए मैं लाया हूँ ये गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट लेके आए? सही में? नहीं झूठ है, इसके अंदर से निकलेगी ईट। वाओ रौनक, है ना? हाँ अच्छे, और से बड़ा अच्छा लग रहा है। किसके साथ जाके लेकर आया? अकेले। ओ अकेले तो नहीं जा सकता तू। चीना दीदी के साथ गया था मैं। चीना के साथ गया था? तो मैं चीना के साथ क्यों जाता है? तो और किसके साथ जाऊं? उनको समझ है ना क्या क्या चाहिए होगा, क्या पसंद आएगा आपको। अच्छा मेरे को थोड़ी है। तुम कब गया था? अब वो मैं क्यों बताऊं? बता दो। मैं चला गया था, इतना नहीं बता सकता। किससे लेकर आया? मैं गया था तिलक नगर, गया था चीनी दीदी के साथ स्कूटी पर। कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को नहीं पता था कैसे लेना था, चीनी दीदी ने लिया बस। बड़ा प्यारा अपनी पसंद से। बहुत अच्छा लग रहा है पर्स तो, है ना? हाँ। उनको भी थैंक यू बोल देना। वो तो थैंक यू बोल दूंगी मैं। तूने पैसे कहाँ से खर्च करे भाई? मेरे पास पड़े थे पहले के। कौन से पैसे पड़े थे? वो पैसे को क्यों छेड़ता है? वो तो तेरे अपने पैसे है ना, नानी ने दिए थे जो तेरे को बर्थडे पे मिले थे। तो क्या हो गया? मैंने तेरे को बोला था कोई चीज लेके दूंगी अच्छी तेरे को बढ़िया सी। कितना टाइम लगाते और हानि तो बर्थडे कब का निकल गया, तो मैं सोचा मैं आपको ही ले दूं। हाँ तो मैं थोड़े से, मैंने कुछ सोचा हुआ था ना कि चल थोड़े से पैसे उसमें और ऐड करूंगी। कोई ना आप कम करी जा रहा बिना मतलब के। अब खत्म। खत्म पैसे? हाँ कितने का है पर्स? चीनी को पता होगा। पैसे तूने खर्च करे ना? हाँ खर्च मैंने ही किया, मैंने गिने थोड़ी, फिर चेंज लेकर रख लिया मैंने, बस गिना नहीं मैंने। चल कोई नहीं, दिमाग से निकल गया अगर याद भी था मेरे को। अच्छा। बढ़िया या नहीं है बताओ? तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा पर्स लग रहा है। और मेरे को, मैंने तो को पता है सोच पे था क्या रही मैं तेरी चीज बताती हूँ। तो गाइस रौनक ने दिया है मुझे मदर्स डे पे ये प्यारा सा गिफ्ट, और जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था थोड़ा सा, कि क्योंकि मैं सोच रही थी काफी टाइम हमेशा हाई ऐसे क्यों बोल रहा है, कार्ड भी बहुत स्पेशल होता है, कार्ड तो बच्चा अपने आप से बनाता है। मुझे एक चीज दिखा दे, रुक जा। क्या जाना है?
ये कार्ड तो तूने मुझे ये दिया ना, तो मैं पहले सोच रही थी अपनी मम्मी के लिए भी, कल जाएंगे मदर मम्मा के घर पे, तो मैं भी सोचती हूँ मम्मी के पास ना ऐसे ना नहीं है मम्मी के पास पर्स छोटा वाला ना, तो मैंने कहा पर्स एक दिन मैं उसे मार्केट नहीं गई थी कांचना के साथ मेरी फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे मुझे पसंद नहीं आया था, पर ना मैंने मम्मी के लिए वहाँ पे देखी थी ये बैंगल्स। अच्छा सही है, मम्मी के लिए लाई थी कि चल मत तिलक नगर, नहीं नहीं ऑफिस के वहाँ पे। सही है बढ़िया, प्यारी लग रही ना। सही है बढ़िया, और बच्ची भी लगेगी मम्मी को पहनने की ना। सुंदर लग रही ना, और रेगुलर पहन सकता है बंदा। हाँ, ना ऐसी नहीं कोई बाहर जाना भी करो ना खराब नहीं होगी, उसने बोला था। अच्छा हाँ, तो ऐसे करके तो बढ़िया दोनों मम्मियों को मिल गया गिफ्ट। दोनों मम्मी को मिल गया। सही बात है, हम कल चलेंगे नानी के घर पे, ठीक है उनको सरप्राइज देकर आएंगे। और तेरा गिफ्ट बड़ा प्यारा है। थैंक यू वेलकम। ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यहीं पे करते हैं, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक प्यारी सी नई सुबह के साथ। तो गाइस आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आपको मदर्स डे की बहुत-बहुत बधाई, और मेरी प्यारी बड़ी सारी मदर्स को जितने भी मुझसे बड़े हैं उनको सबको हैप्पी मदर्स डे गाइस, और मेरी यूट्यूब फैमिली को जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो बड़े हैं और जो बुजुर्ग हैं सबको मेरा सादर प्रणाम और हैप्पी मदर्स डे। और गाइस आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे आज, बहुत 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 अच्छे कमेंट्स आए थे, और आपने आशु जी के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, उनको बर्थडे विश करा, तो दिल से मैं हाथ जोड़ के आपका थैंक यू बोलती हूँ। प्लीज़ अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे बनाए रखिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।